हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनी में क्या है, कैसी है, क्या किसे कहते हैं, क्योंकि इस चीज़ में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई आसिफ भाई, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है और उसके अंदर गाड़ी लगाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर, अगर किसी भी कंपनी में आप गाड़ी लगाने का प्रोसेस जान रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो ओला उबर के छोड़ करके मुझे किसी कंपनी में फिक्स में अटैच कर देनी है, तो अटैचमेंट का जो पैसा होता है वो मंथली का फिक्स में कितना आने वाला है, कितना पेमेंट मिलता है, कौन सी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी जो गाड़ी है ना वो कौन लगाएगा, तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी किसे बोलते हैं, एमएनसी कंपनी किसे बोलते हैं, यहाँ पर जान लीजिए इंटरनेशनल कंपनी किसे बोलते हैं। तो जो इंटरनेशनल कंपनी होती है, जैसे माना हमारे देश की जो भी कंपनियाँ होती हैं वो नेशनल कंपनियों में आती हैं, पूरे स्टेट की। अगर कोई भी बंदा हमारे एम्प्लॉयज है, इंडियन है और वो इंडिया का बंदा है, बिजनेसमैन है, अगर इंडिया में किसी भी जगह एक कंपनी को, कारखाने को कहीं बना रहा है, एम्प्लॉयज इंडस्ट्रीज कहीं डाल रहा है, तो वो जो नेशनल कंपनी में काउंटिंग में आती है, स्टेट की किसी भी स्टेट के अंदर कंपनी बना रहे हैं तो वो आती है नेशनल कंपनी। ठीक उसी तरीके से अगर कोई दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आ रही है, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज प्लांट बन रहा है, तो वो जो बाहर की कंपनी है अगर इंडिया में है मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी किसी चीज़ का प्लान डाल रही है, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनियाँ बोलते हैं। यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी किसे बोलते हैं, नेशनल कंपनी किसे बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जब आप समझ लो एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी किसी दूसरे कंट्री की, तो वो जो कंट्री होगी तो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी हाई फाई होंगे, अच्छे प्रीमियर होंगे, तब अच्छे प्रीमियर कस्टमर होंगे उसके एम्प्लॉयज होंगे, तो उसको जो गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो गाड़ी भी अच्छी होगी। आप छोटी मोटी नॉर्मल कोई कटारा वटारा पुरानी बहुत ज़्यादा सेकेंड हैंड बहुत टूटी फूटी ये तो गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके लिए वहाँ पर गाड़ी की रिक्वायरमेंट एक नंबर आने वाली है। अब जब गाड़ी की रिक्वायरमेंट एक नंबर की होगी, जैसे इनोवा क्रेस्टा है, एटिगा है, अगर मैं बात करूँ तो डिज़ायर, अगर सेडान में उसे गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो डिज़ायर है, ओरा है, होंडा सिटी है, स्कोडा है, इस टाइप की गाड़ियों की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर आपकी छोटी गाड़ी अल्टो, वैगन आर, ये सब की कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर अब इस टाइप की अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट आएगी, तो अगर आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आप जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो वो स्टैंडर्ड हो गई, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी स्टैंडर्ड हो गए, अब आपको जो पैसा मिलने वाला है ना तो वो भी स्टैंडर्ड होगा, सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए। जब हर एक चीज़ स्टैंडर्ड आ रही है तो स्टैंडर्ड पैसा भी होगा। अब इसका जो वेंडर है, अभी जो बुकिंग मतलब जो आपको गाड़ी लगाएगा वो कौन लगाएगा, तो जो कंपनियों का है, एमएनसी कंपनी हो या फिर नेशनल कंपनी हो या फिर आईटी सेक्टर हो या कॉल सेंटर हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, गेल हो, एलएनटी हो, एनीवे कोई भी ईटीसी, किसी भी जगह एक्स वाई जेड ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, गवर्नमेंट के हों चाहे किसी के भी हों, हर एक कंपनियां टेंडर निकालती हैं, गूगल पे डाल देती हैं, जो साइडें होती हैं टेंडर बनने वाली वहाँ पर वो ऑलरेडी पड़ी होती है। अगर किसी कंपनी का टेंडर निकाला हुआ है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो जो वेंडर होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं टेंडर लेने के, सर्विस देने के, जिस गाड़ी की रिक्वायरमेंट है वो पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, वो वेंडर अगर उस चीज़ को परफेक्टली काम कर पाता है, तो वो जो टेंडर जिसका प्राइस माना अगर 50 गाड़ी या 10 गाड़ी या 20 गाड़ी का रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी ने डाला, और वहाँ पर 100 लोगों ने टेंडर अपना डाला हुआ है, तो 100 लोगों में से जिसका प्राइस सबसे कम होगा, कंपनी की जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती है उसको अप्लाई करेगा, उसको पूरा करेगा, सबसे कम प्राइस में वो टेंडर उस वेंडर के पास चला जाता है जिसका प्राइस सबसे कम होगा। अब जब प्राइस कम होगा तो वो टेंडर उसके पास चला जाएगा, और कौन से किसके पास, वो वेंडर के पास। अब जब वेंडर के पास जब टेंडर चला गया, तो उसको सारी फॉर्मेलिटी के साथ जो भी कंपनी की पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन है उसको पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए या तो वो खुद की गाड़ियाँ परचेस करके लगाएगा,
या तो जो बाहर से गाड़ियाँ होती हैं, जैसे मेरी है, आपकी है, किसी दूसरे की है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो काम ही वही करने वाला है, कमीशन एजेंट के ऊपर, कमीशन के ऊपर वो काम कर दे। ज़्यादातर जो वेंडर होते हैं वो खुद की गाड़ियाँ परचेस करके खुद लगा देते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं, इस टाइप से भी होता है। तो जब उसको किसी भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तब आपकी गाड़ी को वहाँ पर रिक्वायरमेंट दी जा सकती है, आपकी जगह खाली हो सकती है, आपको वहाँ पर एक पैकेज मिल जाएगा। फिर वो सारा कुछ पैकेज को कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद कौन सी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास डिज़ायर है तो डिज़ायर के पैसे के हिसाब से आपको पर मंथली का पैकेज बता देगा कि आपको इतने हज़ार किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है, 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर, वीकली में 26 दिन चलानी है, 22 दिन चलानी है, 4 छुट्टी मिलेगी, संडे की छुट्टी मिलेगी, शनिवार की छुट्टी मिलेगी, ये सारा कुछ पैकेज के अंदर आपका आ जाएगा। प्राइस की बात कर लूँ, मेरी सिटी से अगर बात करेंगे और लास्ट मोमेंट तक जाएंगे तो आपको डिज़ायर गाड़ी से 30,000 लेकर के 60,000 रुपये तक का आपको एक पैकेज मिल जाता है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटियों के अंदर। मेरी सिटी के अंदर आपको डिज़ायर गाड़ी का 30,000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा, बहुत तो बहुत अच्छा सा कोई वेंडर है, अच्छा सा अगर टेंडर उसको मिल गया है तो आपको 35,000 तक दे सकता है, इससे ज़्यादा वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर भी उसका कमीशन होता है, GST होता है, तो वो भी उसको समथिंग मैक्सिमम उसको क्लियर करना होता है। किसी कंपनी का जो टेंडर होता है 3000 किलोमीटर अगर गाड़ी नहीं चल रही है तो बाकी के जो किलोमीटर बचे हुए किलोमीटर होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो अलग अलग कंपनी का जो भी टेंडर होता है, टर्म एंड कंडीशन होती है, वो सारा कुछ डिपेंड होता है वो कंपनी पॉलिसी रूल्स ऑन फॉलो और जो वेंडर के टेंडर होते हैं उनमें। मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आसिफ भाई मैंने जो गाड़ी लगाई है, एटिका लगाई है और गुड़ग्राम में अच्छी खासी कंपनी है, ऑफिस में लगा रखी है, 80,000 रुपये मुझे मंथली का मिलता है। अभी 2 से 3 दिन पहले एक भाई का कमेंट आया था पुणे से कि डिज़ायर मतलब औरा गाड़ी के मुझे 75 के आसपास मिल रहा है, 22 दिन की रिक्वायरमेंट है, 74,000 या 64,000 ऐसा कुछ मुझे बता था, याद नहीं रहा मुझे। तो इतना पैकेज मिला है, 2200 किलोमीटर की रेंज है और 22 दिन काम करना है, छुट्टी भी है, तो इस टाइप की अगर पैकेज मिला है, मैंने भाई को बोला भी था अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, अच्छी खासे पैसे आपको मिल रहे हैं, तो आप अटैचमेंट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। साइज 72 था या 74,000 रुपये का पैकेज था, भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि उसने लिखा भी था, अगर कहीं से अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो अगर आपको डिज़ायर गाड़ी के या ओरा गाड़ी के आपको इतना अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलता है, इतना पेमेंट अगर बात करूँ तो 74,000 से 80,000 तक मेरी सिटी में मराजो गाड़ी है, एटिका गाड़ी है, उसका नहीं देते को लोग, बहुत से दे भी देते हैं नहीं भी देते, किसी किसी का हर जगह का अलग अलग होता है, जो भी वेंडर मतलब उसकी किस टाइप के सामने वाला जो वेंडर है, टेंडर उसने लिया हुआ है, कितने का उसने लिया है, तो उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हाई फाई टेंडर होता है ना तो वो क्या सोचता है, अगर मेरा टेंडर 3 साल का है, अगर मैंने एक गाड़ी को ले लिया, अच्छा खासा पेमेंट है, अगर मैंने कोई ड्राइवर को रख दिया, तो क्या ना लोग लालची होते हैं वो, और आज की तारीख में हर कोई बंदा अपना ही बेनिफिट करना सोचता है, सिंपल सी चीज़ समझ लो। अच्छा कुछ टेंडर होता है वहाँ पे सोचता है मुझे जब ड्राइवर को 10-15 हज़ार रुपये सैलरी देके एक एटिका गाड़ी भी मेरी फ्री हो जाएगी और ऊपर से चलती भी रहेगी, तो सारा जो पेमेंट होगा वही आ जाएगा मेरे पास, तो ये भी चीज़ होती है। तो पर जहाँ पर गाड़ियों के वो सोचता है, यहाँ पर अगर मुझे किसी बाहर की गाड़ी लगा रहा हूँ तो मुझे 5-10 हज़ार रुपये कमीशन के तौर पर मिल रहे हैं, तो वो सोचता है मैं बाहर की गाड़ी लगा दूँ, क्यों अपनी गाड़ी को परचेस करूँ, वहाँ से 2-2.5 लाख रुपये भरूँ, फिर एक ड्राइवर को 10-15 हज़ार 12 हज़ार की सैलरी दूँ, तो उससे अच्छा किसी बाहर की गाड़ी ले लूँ और वो अटैच कर देता हूँ, वहाँ पर वो चलाता रहेगा, मुझे महीने के 10,000 रुपये का कमीशन के तौर पे मुझे निकलता है, कमीशन हो या फिर GST हो। इस टाइप से भी लोगों की सोचने की जो क्षमता होती है ना वो टाइप सोचते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इन फ्यूचर आप अगर पिछली वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक भाई ने बोला था कि 2 लाख रुपये वाला सिस्टम, तो इतना अगर 2 लाख रुपये अगर आपको कोई वेंडर में देगा ना, तो कोई 10,000 रुपये कमाने के लिए ना अपनी गाड़ी नहीं खरीदता है, तो 2 लाख रुपये अगर कमाने की बात होगी तो वो 4 गाड़ी खरीद के अपनी खुद की लगा देगा, तुम्हारी गाड़ी लगाने की उसको क्या ज़रूरत होगी, जो उसको खाली ड्राइवर ही ढूंढना है, उसको 15,000 सैलरी देना है, कोई भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, बाकी का सब कुछ उसका हाथ में आएगा, तो तुम मतलब बाहर से गाड़ी लगाने की उसको क्या ज़रूरत है, सिंपल चीज़ है। अगर हाई पेमेंट जो अगर टेंडर भरे जाते हैं ना, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से होती हैं, उनको स्टैंडर्ड गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, वहाँ पर कुछ सोच विचार होता है, फिर भी मार्केट के अंदर आज की तारीख में अगर देखने आएंगे तो जिस गाड़ी के रिक्वायरमेंट अगर डाल दे बंदा, तो उसको उस टाइप की गाड़ी आपको मिल जाएगी।
तो उसको खुद की गाड़ियाँ परचेज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल है, फुल पैकेज उसको दे दिया भाई, सुबह से लगाना है, शाम तक चलानी है, यहाँ से वापस आ जाना है, यहाँ से डेली उठाना है, डेली सेम टू सेम वही वर्क करना है, कुछ करना नहीं है। फ्री पर मंथली का बिलिंग होती है, साइकिल हो गई उसके अकाउंट में, उसने पैसे डाल दिए, उसको पैसे मिल गए, सीधा सिंपल से डेली चल रहे हैं भाई। 2 साल 3 साल का 4 साल का 5 साल का जो भी टेंडर भरा जाता है, आराम से चलती रहती ज़िंदगी दोनों भाइयों की, वेंडर वाले की भी, टेंडर में जिसने लिया है उसकी भी, और जिसने टेंडर दिया है उसकी भी। तो सीधी सिंपल चीज़ है, काम इस तरीके से होता है। अगर आप कोई भी गाड़ी लगाना चाह रहे हैं किसी भी कंपनी में मल्टीनेशनल, तो आपको सबसे पहले टूर एंड ट्रैवल्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, इन लोगों के पास ही टेंडर मिलते हैं, और ये लोग टेंडर भरते हैं। एक नॉर्मल टूर एंड ट्रैवल्स वाला टेंडर नहीं भरते, जो मल्टीनेशनल कंपनी से चलाता हो, इंटरनेशनल बुकिंग्स लेता हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास लाइसेंस होता है। फाइनली पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है। अगर कोई कंपनी किसी भी जो टूर एंड ट्रैवल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, गलती होती हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका जो टेंडर वाला लाइसेंस होता है ना, उस पर ब्लैक लिस्ट मार देते हैं। तो इस ब्लैक लिस्ट मारने की वजह से, पेनल्टी मारने की वजह से, इन फ्यूचर उस टूर एंड ट्रैवल्स वाले को कभी भी कोई भी कंपनी टेंडर नहीं देगी, क्योंकि वो हटता नहीं है, सिंबल लगा ही रहता है, टप्पा पीछे से लगा दिया जाता है भाई, कि इस बंदे ने हमारी कंपनी में गाड़ियाँ लगाई थी और इस बंदे ने टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं किया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, सर्विस अच्छी नहीं है, इस टाइप का एक सिंबल मार देते हैं। इन फ्यूचर उसका कभी टेंडर कोई यूज नहीं करता है, ना ही कोई कंपनी उसका उसको टेंडर देती है कोई भी गाड़ी रिक्वायरमेंट लेने के लिए। तो इसमें जो भी टेंडर लेने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार और माइंडेड चाहिए जो भी बिजनेस करते हैं। अगर इन फ्यूचर आपके पास, आपने अगर इनके पास गाड़ी लगा रखी है और आपने कुछ गलती की, तो वो आपको समझाएंगे, नेक्स्ट वन वार्निंग देंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी को हटा भी देंगे। तो ये सब चलता रहता है। और अच्छे से आप अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर आईटी सेक्टर है, कॉल सेंटर है, गवर्नमेंट है, तो कहीं भी कोई भी गाड़ी लगाना चाहते हैं, तो आप मुझे जो कमेंट में नंबर मांगते हैं कि मुझे कोई कंपनी वाले का नंबर दे दो, टेंडर वाले का नंबर दे दो, तो नंबर मेरे पास नहीं होते हैं। आपको अपने सिटी के अंदर इस चीज़ की इंक्वायरी करनी होगी कि कौन सा टूर एंड ट्रैवल्स वाला इन फ्यूचर में जो टेंडर लिए जाते हैं उनके अंदर गाड़ियाँ लगाते हैं, किसकी चलती हैं, किसकी नहीं चलती हैं। काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर सिंबल लगे होते हैं, लोगो लगे होते हैं पीछे ग्लास के ऊपर, तो ग्लास के ऊपर जो लोगो लगे होते हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं किसी गाड़ी के अगर लोगो लगा है, तो वो जो लोगो लगा है उसकी टूर एंड ट्रैवल्स का नाम क्या है, तो नाम से भी पता कर सकते हैं। और वहाँ पर आप किसी भी ऑफिस पे जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं, और इंक्वायरी करने के बाद ही आपकी टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करनी होगी, और अपनी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो आपको गाड़ी दिखा करके सारा कुछ फाइनल करने के बाद अपनी गाड़ी को अटैचमेंट करा सकते हैं। अच्छा लगे तो, टर्म एंड कंडीशन अच्छी लगे तो आपको गाड़ी देनी है, नहीं तो आपकी गाड़ी ओला उबर में चलाते रहना है और पैसे कमाते रहना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।